इंद्र महाराज ने सभी देवताओं को इकट्ठा किया और उनसे कहा कि भाई पता नहीं के बात से रात ने सिंहासन डोला नींद नहीं आती, जाग देखो। नारद मुनि ने बताया कि महाराज ऋषि विश्वामित्र तपस्या कर रहे हैं के बाबू उसका तपस्या भंग कराओ ना तो सरोग का राज ले लेगा। के महाराज उड़ जावे कौन? तो हूर मेनका को बुलाया गया। हूर मेनका से कहा कि हूर मेनका जिंदगी में मैंने आपसे कोई काम नहीं कराया है, तने एक काम करना पड़ेगा कि मृत लोक में जाना पड़ेगा और ऋषि विश्वामित्र का जो तपस्या है वह भंग करनी पड़ेगी। के महाराज जो काम मेरे बस का कोन्या, इतने तपस्वी साधु हैं, अगर जा मैं उसके सामने चली गई तो भस्म कर देंगे, किसी और को भेज दो। के रामजादी जिंदगी में एक काम पड़ा था सरनाट है और क्या करेगी तुम? के महाराज जब धमकाई इंद्र महाराज ने तो कहने लगी कि महाराज जब पवन देवता को और काम देवता को आप मेरे साथ में भेजो तो मैं कोशिश करूंगी। कि ठीक है, काम देवता को बुलाया गया और पवन देवता को बुलाया गया और दोनों तीनों विमान में बैठ गए और मृत लोक में आए। जहां पर ऋषि विश्वामित्र तपस्या कर रहे थे वहां आकर वाहूर मन का 16 श्रृंगार और 32 आवरण लगा के और कुटिया के आसपास में घूमने लग जाती है। पवन देवता ने ठंडी ठंडी मंद सुगंध हवा चलाई और काम देव ने काम के बाण मारे और वह अप्सरा का रूप धारण करके और कुटिया के आसपास जब घूमी तो ऋषि जी की माड़ी माड़ी ने थोड़ी थोड़ी आंख खोल कर लगाया। एक सुंदर अप्सरा को अपने सामने देख के और उससे क्या कहने लग गया, एक बात के द्वारा क्या कुछ कहा बुला कर दे भाई कुछ नहीं। सुनियो बात ने तरज कड़े भी लिखाइयो और पोला कड़े भी लिखाइयो। हे रे तेरी नरम पीर की जात फिर एकली पिया पान में इसके पूछे दुखिया फरू जहान में तेरी नरम पीर की जात तेरी नरम पीर की जात तेरे तेरी नरम पीर की जात कल्याणी आई तू यहाँ।
कर्मा की हानी छुट्या ताना और पानी धक्के खानी फेरू मैरी शिवे से अंदर की अंदर आनी कर्मा की कर्माणी कल्याणी आई तू यहाँ कैसे हुई कर्मा की हानी छुट्या ताना और पानी धक्के खानी फेरू मैरी शिवे से जैसे सूरज लकड़ा पर भात जैसे सूरज लकड़ा पर भात आए रे जैसे सूरज लकड़ा पर भात मेरा चमके लाग सैन में ऋषि कोणा चाहूं बात हो ऋषि कोणा चाहूं बात हो ऋषि कोणा चाहूं बात मेरे नुआरी से जान में तेरी नरम पीर की जात मेरे भाई देवेंद्र विजय के भाई 100 रुपए से मान सम्मान और करते हैं हम धन्यवाद देते धन्यवाद केसणू की लक्ष्मी प्यारी लता धर्म की नारी काम देव की मारी रथ रे तूरती मेरी सुन ले तपधारी मैं हूँ दुखिया बेचारी नाम जनक की दुलारी नाम सिया सती के दसनू की लक्ष्मी प्यारी लता धर्म की नारी काम देव की मारी रथ रे मेरी सुन ले तपधारी मैं हूँ दुखिया बेचारी नाम जनक की तुलारी नाम सिया सती के पार्वती गणे सखी मात के पार्वती गणे सखी मात हाय रे के पार्वती गणे सखी मात काश्यप जी के स्थान में मेरे खोना चाहते जमान हो ऋषि मेरे खोना चाहते जमान हो ऋषि खोना चाहते जमान धन तेज पड़ी सुन में तेरी नरम वीर की जात हो तेरी मंदिर है मंदिर में एक मूरत है वो मूरत कैसी होती
मंदिर है। भाई मेरे छोटे भाई मंजीत, दोनों कलाकारों का 50-50 रुपए से मान सम्मान करते हैं, हम धन्यवाद देते, धन्यवाद। आई और की से ब्याही, इसके ब्याही ओ कैसे नाता तोड़ क्या। मैं हूँ दुखिया लोग आई, कद क्या लड़ती का भाई, प्रीति सोकन से लाई मुँह मोड़ क्या। तेरे कितने तू आई और की सकी सजाई, ब्याही वो कैसे नाता तोड़ क्या। मैं हूँ दुखिया लोग आई, कद क्या ननती का भाई, प्रीति सोकन से लाई मुँह मोड़ क्या। मैं तेरा तू कर छोड़ क्या साथ, मैं तेरा तू कर छोड़ क्या साथ, तेरा तेरा तू कर छोड़ क्या साथ, इस चढ़ती उम्र जवान में मेरा कर देगा तने का घात, हो मेरा कर देगा तने का घात, हो मेरा कर देगा तने का घात, जिन देख पड़ी सुजान में है। अच्छा के जो जंगल बियाबान है और यहाँ पर बहुत आवारा पशु शेर चीता वगैरह। अच्छा जब रात में कितना आगे न जाएगी तो मैं खा जा कोई, फिर जब तो आपके पास आई हूँ महाराज, मैंने शरण दो। मेरा भी यही विचार है, तू नहीं करे। हाँ आजा आजा अरे डटे अबे डाट लो जाइए। हाँ सुनो सुना दो फिर के कहो। आने सुन ले क्या बताओ तेरे बताओ। जिंदगी मैं त्याग सिर आ जा तो भाग भग बन मोर अंधेरा, बंदी विपता के धाक रंज लाया मैं जाके कर लाके जो धड़क दिल मेरा। मेरे की जिंदगी मैं त्याग सिर आ जा भोर अंधेरा, बंदी विपता के धाके रंजक गाया मैं जाके डर लाके जो धड़क दिल मेरा। तेरा कर दे गतन का घात, दुख की खान में सुने तलया बुरी जात, हो सुने तने तलया बुरी जात, हो सुने तने तल
मेरी चाह।